आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ग्रामर बैच अभिमन्यु बैच में सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने नाउन को पूरा कर लिया था और आज हम नाउन के डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं। दो दो क्वेश्चन आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सही सही दिखाई दे रहा होगा और बराबर इनको जवाब देते जाइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका जवाब क्या आ रहा है। ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज बिल्कुल सही से आ रही होगी। पहला सवाल देखते हैं। वी लव द इम्परफेक्ट शेप्स इन नेचर एंड इन द वर्क ऑफ आर्ट। लुक फॉर एन इंटरनेशनल एरर एज अ साइन ऑफ द गोल्डन की एंड सिंसियरिटी इज फाउंड इन ट्रू मास्टरी। इस क्वेश्चन के अंदर कौन से पार्ट में एरर है, यह आप सभी ने बताना है। और जितने भी बच्चे यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। सबसे पहला आंसर देखते हैं क्या आएगा। चलिए, पहले सवाल के अंदर आपके पास मैं आपकी मदद कर देता हूं। वी लव द इम्परफेक्ट शेप्स। शेप्स प्लूरल हो सकती है, यस। दूसरी बात, शेप्स इन द नेचर, इन नेचर, नेचर की जो शेप्स है वो इम्परफेक्ट होती है, जिसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड इन द वर्क ऑफ आर्ट, और कलाकारी के क्षेत्र में भी। लुक फॉर एन इंटरनेशनल एरर, और ऐसी चीजें ढूंढिए जो एक प्रकार का इंटरनेशनल एरर है। एज अ साइन ऑफ द गोल्डन की, वो एक तरह का ऐसा निशानदेह होगा जो एक सुनहरी की के तौर पर होगा। एंड सिंसेरिटी इज फाउंड इन ट्रू मास्टरीज, और सच्ची मास्टरी के अंदर सिंसेरिटीज पाई जाती है। तो मुझे लगता है कि सिंसियरिटी जो शब्द होता है वो कभी भी सिंसियर से सिंसियरिटी बनता है, और ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये कभी भी प्लूरल टाइप का नहीं होता, सिंसियरिटीज नहीं होता है। सो यहाँ पर ये सिंसियरिटीज पार्ट में एरर है, और ये एरर हो गया सी पार्ट में, क्योंकि ए से शुरू हो रही है बात, फिर बी है, फिर सी है, और डी है नो एरर। तो ये सी पार्ट में एरर हो गया, और सी जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर स्मॉल डी में है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप भी कोशिश कीजिए इन तमाम सवालों को बताने की। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। द सेल्समैन वॉज ट्राइंग टू पॉइंट अस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फर्नीचर्स इन द शोरूम। सेल्समैन प्रयास कर रहा था हमें पॉइंट करने के लिए उस डायरेक्शन में जहां पे सबसे महंगे फर्नीचर रखे थे शोरूम में। इन सवाल के अंदर क्या जवाब आएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। सबसे पहली बात, आपको मैंने बताया था नाउन के चैप्टर के अंदर कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। अगर उनका प्लूरल बनाना भी है तो उनका सिंगुलर केस अ पीस ऑफ से लेके मैनी पीसेज ऑफ, अ लॉट ऑफ और नंबर ऑफ, इस तरीके से बना सकते हैं। जबकि फर्नीचर के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। अगर यहाँ पर एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर से एरर सी पार्ट में है, और सी आपका स्मॉल बी पार्ट में है। तो स्मॉल बी इज द राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर, धीरे धीरे देखिए और बताते जाइए। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज फॉल्स। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां सब कुछ झूठ है, सब कुछ गलत है। द सोसाइटी इज लाइक ब्राइट पेंट अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ रॉटन वुड्स। ऐसा लगता है कि ये जो समाज है वो एक बहुत ही सुनहरा ब्राइट पेंट कर रखा है, जो कि किसी सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर पेंट कर रखा है। आपको पता होगा वुड और वुड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखें। वुड अपने आप में एक अनकाउंटेबल थिंग होती है, जिसका मतलब लकड़ी के लिए यूज होता है, लेकिन वुड्स अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, और फिगरेटिवली इसका जो मीनिंग जाता है वो फॉरेस्ट के लिए यूज होता है। तो हम जो पेंट करते हैं वो फॉरेस्ट को नहीं करते, वो वुड को ही करते हैं। तो यहां पर वुड्स का इस्तेमाल नहीं होकर वुड का इस्तेमाल होगा, एस का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। अगेन जो एरर आपके पास है वो सी पार्ट में है, और सी यहां पर जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। इट इज वर्चुअस एंड ऑनरेबल टू बी ऑनेस्ट।
ये बड़े ही विशेष बात होती है और सम्मानित बात होती है कि ईमानदार होना। बट ऑनेस्टीज डू नॉट ऑलवेज पे, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे, आप भी समझ पा रहे होंगे। सो यहाँ पर ऑनेस्टीज डू नॉट ऑलवेज पे, सो ऑनेस्टीज कभी भी पे नहीं करती, हमेशा पे नहीं करती है। ऑनेस्टी इज नॉट अ गुड इन सर्कमस्टांसिस वेयर बींग ऑनेस्ट इज डिसएडवांटेजियस और हार्मफुल, कई बार ईमानदारी आपके पास नुकसानदेह भी हो जाती है। सो इसका जवाब आपके पास क्या आने वाला है, ऑनेस्टी इज नॉट अ गुड इन सर्कमस्टांसिस। इस समय आप पढ़ रहे हैं ग्रामर बैच के अंदर, और ग्रामर बैच के अंदर आपके पास इसी तरह के सारे क्वेश्चंस, हर चैप्टर के एनालिसिस, रूल, रेगुलेशन, एक्सेप्शन सब कुछ समझा लेने के बाद, तमाम बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप डरते हैं जिनको करने से, पहला चरण आपको ये निभाना पड़ेगा। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के अंदर, रियल टेस्ट के अंदर मिक्स होकर, जंबल्ड होकर आते हैं, तब आपका दिमाग कैसे कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को देखता है। तो आपको पता लग गया कि सर ऑनेस्टीज कुछ भी नहीं होता, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसका प्लूरल नहीं होता, ऑनेस्टी होता है। ये ऑनेस्टी आपके पास ए पार्ट में और ए में ही लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई, सारे बच्चे जवाब बराबर देते जाएंगे, जितने भी बच्चे नए यहां पर जुड़े हुए हैं बराबर इस बात को समझते जाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है जीवन में। चलिए इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बाद। तीन और चार के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा और बराबर आप सवाल का जवाब लेते जाइएगा। पहला है, द एक्चुअल फिगर वॉज मेड ऑफ द कॉपर सपोर्टेड बाई अ मेटल फ्रेमवर्क विच हैड बीन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बाई आईफल। सो जैसे आईफल टावर होती है, बुर्ज खलीफा होता है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कुतुब मीनार भी है, और उम्मीद करता हूं आज की खबरों के हिसाब से आप तक लाल किला की खबरें और फोटो भी पहुंच गई होगी। मैं जानना चाहूंगा आप सभी सुधी श्रोताओं के माध्यम से कि आज जो भी इस देश के अंदर मुल्क ने जो देखा है, क्या वो ठीक है या गलत है, मैं किसका समर्थन करता हूं किसका नहीं करता हूं, ये आपके पास जग जाहिर बात है। हिंदुस्तान हमेशा अपने मेहनतकश मजदूरों के, किसानों के, जवानों के हमेशा साथ खड़ा रहा है, लेकिन उस दौर के अंदर अगर वो सारी चीज कहीं ना कहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी लोगों के एवज में चली जाती है, तो वो कितना ठीक है कितना नहीं, मुझे जरूर से जरूर इसके ऊपर राय दीजिएगा। द एक्चुअल फिगर वॉज मेड ऑफ द कॉपर सपोर्टेड बाई मेटल फ्रेमवर्क, तो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या आंसर आएगा। द एक्चुअल फिगर वॉज मेड ऑफ द कॉपर आएगा या कॉपर आएगा। जब भी कोई चीज किसी चीज से बनती है तो वो मटेरियल नाउन होती है, और मटेरियल नाउन यहां पर एक कॉमन नाउन का काम करता है, ये कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है, इससे पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, तो द का इस्तेमाल यहां नहीं होगा, तो ए पार्ट में एरर है और ए जो है वो सी में लिखा हुआ है, सो यहां पर एक्चुअल आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ज्यूरी। ज्यूरी के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन आपके पास रिपीट हो रहा है। द ज्यूरी हैव बीन टोल्ड दैट इट मस्ट डिसाइड वेदर और नॉट द टू मैन वर रेसिंग देयर कार्स। ज्यूरी ने बताया है, ज्यूरी को बताया गया है दैट इट मस्ट डिसाइड, उसको ये डिसाइड करना है वेदर और नॉट, किया है या नहीं किया है, द टू मैन वर रेसिंग देयर कार्स, क्या वो दो लोग थे जो अपनी कार को रेस कर रहे थे। इसके अंदर एरर बताइए फटाफट, क्या एरर इसके अंदर आना चाहिए। एवरीबडी हैज टू आंसर, ए बी सी डी लगाने में कुछ जाएगा नहीं आपका, बट इन तमाम क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी की कुछ फ्रीक्वेंसी मैंने बदल रखी है, क्योंकि आजकल के आपके क्वेश्चंस भी कुछ इस तरह की यूज हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन, चंद्रभान कुमार। द ज्यूरी हैव बीन टोल्ड दैट इट मस्ट डिसाइड वेदर और नॉट द टू मैन वर रेसिंग देयर कार। सबसे पहले MEN मैन की बात है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहां पर जो ध्यान में रखना है वो ज्यूरी की बात को रखना है। ज्यूरी को ऐसा बताया गया था, अब आपको पता है ज्यूरी यहां पर अगर बताया गया था तो ज्यूरी शब्द अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है। अगर ये सिंगुलर यूज हुआ है तो यहां पर हैव अगर ठीक है तो इट की जगह दे आना चाहिए था, अगर ये हैव गलत है तो यहाँ हैज आना चाहिए था।
तो अगर जूरी को यहां पर इट कहा जा रहा है, यानी ये सिंगुलर को सिंगुलर मान रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए हैज, और जूरी को अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट गिवन नहीं है, किसी तरह का डिसएग्रीमेंट गिवन नहीं है, तो याद रखिएगा जूरी हमेशा सिंगुलर की तौर पर, सिंगुलर नाउन के तौर पर ट्रीट होती है। तो अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहां पर हैव की जगह हैज आना चाहिए, ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा बच्चा, और ए का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? यस और नो एक बार बताते जाइए ताकि आगे बढ़ने की कोशिश करें फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। Although their car and many of their belongings was destroyed by the bomb, they said they would continue their honeymoon. यद्यपि उनकी कार और बहुत सारा उनका जो belongings था, जो उनका सामान था, साजो सामान था, वो बॉम्ब के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने कहा था, they said they would continue their honeymoon. वो अपने honeymoon को जारी रखेंगे। So मुझे बताइए यहां पर कौन से पार्ट में एरर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को देखते देखते क्वेश्चन नंबर 8 को भी थोड़ा सा देखिएगा। द पिन स्ट्रिप ट्राउजर्स वॉज टक्ड इन टू ग्रीन शूटिंग बूट्स विद बकल्स एट द साइड गिविंग हिम अ कॉम्पिटेंट एयर। बताइए इसके अंदर क्या एरर है और क्या नहीं? बड़े आसान है, दोनों क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन नजर ऐसी होनी चाहिए कि आपको वो गलती दिखाई दे, और गलती दिखाई देने के अंदर देखिए सबसे पहली गलती ये कि बच्चे ने सर देयर के साथ कार नहीं आएगा, कार से आएगा। नहीं, देखो अगर मैं कहता हूं हिज तो उसकी कार, अगर मैं कहता हूं हर तो उसकी कार, तो कई बच्चे सोचते हैं सर देयर जो है प्लूरल हो गया तो उसके साथ नाउन भी प्लूरल आएगा। भाई उन लोगों की पूरे फैमिली में 4 लोग हैं और उनकी सिंगल एक कार है, तो देयर के साथ सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी। कभी भी ये मत सोचना कि भैया हिज और हर के साथ क्या आएगा, ठीक है सर? एडिटोरियलाइज नहीं होगा, एडिटोरियलाइज नहीं हुआ। 26th of January था आज, सो आज पूरा का पूरा छुट्टी का माहौल था सुबह सुबह, और आज स्टूडियो के अंदर भी कुछ चीजें नहीं हुई थी, सो उस चीज को कल कर लेंगे, ठीक है? तो आज का और कल का मिला के करा दूंगा, शुभम निगम, ठीक है भाई? चलिए, सो यहां पर देयर कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कार है, कार एक है, और मैनी ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, ये बहुत सारी चीज है, और एक के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, तो ये नाउन कैसा बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, और प्लूरल के लिए वॉज नहीं आ सकता, यहां पर वर आना चाहिए। यानी कि एरर कौन से पार्ट में हो गया बच्चा? बी पार्ट में। तो बी पार्ट के हिसाब से ये बी में बी दिया हुआ है, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, ये दिखाना एक बार ये वाले कमेंट। ठीक है ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द पिन स्ट्रिप ट्राउजर्स वर टक्ड इनटू ग्रीन शूटिंग बूट्स विद बकल्स एट द साइड्स गिविंग हिम अ कॉम्पिटेंट एयर। अगर वोकैबुलरी की थोड़ी थोड़ी सी बात करें, सो यहां पर पिन स्ट्रिप ट्राउजर्स की बात हो रही है, और आपको पता है, आपको मैंने एक डायग्राम बताया था, इस तरह की शेप की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कैंची हो, चाहे वो आपका प्लायर्स हो, चाहे वो आपकी पिंसर्स हो, चाहे आपका प्लास हो, चाहे आपकी ट्राउजर्स हो, पैंट्स हो, जीन्स हो, जैगिंग्स हो, लैगिंग्स हो, बूट्स हो, शूज हो, सॉक्स हो, ये तमाम शब्द हमेशा प्लूरल नेचर के होते हैं, तब तक जब तक कि इसके सामने अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल नहीं हुआ है मतलब ट्राउजर्स अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, वॉज नहीं यहां पर वर आना चाहिए। सो व्हाट इज द एरर इन पार्ट ए? और ए कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर स्मॉल बी के अंदर, सो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ओके, कितने बच्चों को बात समझ में आई? सर ये एडिटोरियल की क्लास कब आती रहेगी? सुबह सुबह 8 बजे आती है भाई, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको पूरे के पूरे लिंक मिल जाएंगे। एट द रेट डॉक्टर वोकैब, ये टेलीग्राम चैनल है,
इसको ज्वाइन कर लो और यहां पर सुबह सुबह 8 बजे इसका लिंक आ जाता है, तुरंत आ जाया करो। चलिए अगली बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके पास है। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस आपने पढ़े नहीं होंगे, ये स्पेशली डेवलप्ड है और आपको पता है हमारी कंटेंट टीम कितनी मजबूती से काम करती है, और मेरे लिए तो लगभग इस तरह की टीम बनाना और उनसे काम लेना मैं मतलब विद्यार्थियों के लिए यूज करता हूं। हाँ, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम से आगे भी यूज करूंगा मैं तो उसको, क्योंकि आपको पता है कि द हिंदू वोकैबुलरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और फरवरी मंथ के अंदर मैं शुरू करने वाला हूं। जनवरी मंथ में द हिंदू के अंदर जितने भी इडियम्स आए हैं, जितने भी फ्रेज आए हैं, जितने भी फ्रेजल वर्ब आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं सिनोनिम एंटोनिम के लिए, जितने भी डेफिनेशन आई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, उन सब के इंडिविजुअल सेशन में लेकर आऊंगा मैराथन के रूप में, और वो सारी क्लास आपको यूट्यूब पर मिलने वाली होगी। सो इन तमाम चीजों के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आगे जाके आपको फायदा भी मिलने वाला है। अगला देखिए, बट दिस न्यूज हैव बीन द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिसमे टू द यूएस नेवी सिंस चाइनीज अटैक सबमरीन एम्बैरेसिंगली popped up in the middle of a US Navy fleet exercise of China. सबसे पहले तो मुझे बताइए, यहां पर एक वर्ड लिखा है dismay. What is the meaning of dismay? Dismay का मतलब बताइए सबसे पहले। मुझे पता आपको एरर नजर आ चुका है, न्यूज, न्यूज अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्या आपको पता है न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होती है और ये सिंगुलर नेचर की होती है, लेकिन न्यूज के ही लिए एक यूज होता है वर्ड टाइडिंग्स, लेकिन ये ऑलवेज प्लूरल नेचर का वर्ड होता है। टाइडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, या आपके सिनोनिम के अंदर पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा। सबसे पहली बात, न्यूज लिखा है, न्यूज सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर आएगी, हैव नहीं हैज आएगा, पार्ट ए में मिस्टेक है और ए जो है वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, सो डी मस्ट बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष सिंह कह रहे हैं 10वां क्वेश्चन एसएससी ट्यूब मॉक का है। अच्छा, मॉक का क्वेश्चन है। इफ रिच इट इज इजी टू कंसील आर वेल्थ, बट इफ पुअर इट इज नॉट सो इजी टू कंसील आर पॉवर्टीज। अगर आप अमीर हो तो आपको अपनी वेल्थ छुपाना आसान लगता है, लेकिन अगर आप गरीब हो तो आप अपनी गरीबी को छुपा नहीं सकते। इट इज नॉट सो इजी, वी शैल फाइंड इट लेस डिफिकल्ट टू हाइड 1000 जीनियस देन वन होल इन आर कोट। हम इतने ज्यादा, वी शेल फाइंड इट लेस डिफिकल्ट, हमें कम मुश्किल पड़ती है कि हम अपने हजारों क्वालिटीज को छुपा जाएं, बजाय कि हमारे कोट के अंदर अगर एक होल हो रखा है उसको छुपाना, उसको ढकना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सो अंकित कह रहा है सर हैज बीन आएगा सर, बिकॉज अनकाउंटेबल जितने भी होती है वो सिंगुलर होती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, आई गोट 160 मार्क्स इन सीजीएल टीयर 2019, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मार्क्स। बिल्कुल, ये तरीका अगर आप अपना लेते हो तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे शुभम निगम भाई साहब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको एरर दिखाई दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो आपके पास वेल्थ होती है, देखिए वेल्थ जो होती है वो प्लूरल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है, ये संपदा या संपत्ति के लिए यूज होता है, और गरीबी के लिए जो यूज करते हैं जो नाउन यूज होती है वो पॉवर्टी यूज होती है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होती है। इसको एस या ईएस या आईईएस लगा के कभी भी प्लूरल जनरेट या क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे पॉवर्टीज नहीं आएगा, पॉवर्टी आएगा। एरर बी पार्ट में है और बी जो है वो बी पार्ट में ही दिया है, सो बी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को बात समझ में आई फटाफट बताइए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको बता दीजिए कि बहुत ही भारी भरकम तैयारी अगर करनी है, जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं लेकिन अभी भी क्वेश्चंस के अंदर मडल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, डायलेमेटिक सिचुएशन आपके पास, क्योटिक सिचुएशन अराइज होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के साथ, चाहे वो एरर के हों, इंप्रूवमेंट के हों या फिलर्स के हों, ये सब तमाम चीजें क्वेश्चन करना आपको बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ, और 11 और 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इट इज विदाउट डाउट दैट द रेडेस्ट ऑफ ऑल द नेक्ड आई स्टार्स दो बाइनोकुलर्स इज नीडेड टू ब्रिंग आउट इट्स कलर प्रॉपरली। कलर की स्पेलिंग को ठीक ठाक कर लीजिएगा, सी ओ एल ओ यू आर, कलर होता है।
मेरे पास अभी अभी एक बहुत ही खास न्यूज आई है। अमित शाह होल्ड सिक्योरिटी मीट आफ्टर वॉयलेंस एट फार्मर्स ट्रैक्टर रैली, ये रिपोर्ट आई है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन ट्यूजडे रिपोर्टेडली हेल्ड अ मीटिंग विद दिल्ली पुलिस ऑफिशियल टू टेक स्टॉक ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल आफ्टर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स रिपब्लिक डे ट्रैक्टर रैली टर्न्ड वॉयलेंट। शाह वॉज ब्रीफ्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला अबाउट द सिचुएशन इन दिल्ली। सो यहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि यूनियन होम सेक्रेटरी इस समय कौन है, वो है अजय भल्ला। ओके, सर ऐसे ही फाड़ू क्वेश्चन कराया कीजिए, ठीक है, ऐसे ही कराता हूं मैं तो, बैच में ऐसे ही कराता हूं, आज मुझे अच्छा लगा। चलिए, इसके अंदर जो ये बाइनोकुलर्स वर्ड है, अभी मैंने बताया था जो भी चीज डबल में होती है, जैसे आपका चश्मा है, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, ये तमाम शब्द अपने आप में प्लूरल नेचर के होते हैं, और प्लूरल के लिए यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर नहीं, यहां पर इज का इस्तेमाल होगा। तो इज के हिसाब से यहाँ गलती कौन से पार्ट में होगी, सी, और सी दे रखा है बी पार्ट में, तो ये इसके पास एरर हो जाएगा। एवरीबडी हैज टू आंसर, ये छोटा सा सेशन है लेकिन सारे लोग अगर जवाब देंगे तो मुझे थोड़ा सा साहस मिलेगा आपके साथ और भी नए क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, एक मौका मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। द इनिंग्स हैव जस्ट बिगन, इनिंग्स अभी अभी स्टार्ट हुई है, एंड दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट वन विकेट विद वन रन ऑन द बोर्ड, वो एक विकेट खो भी चुके हैं और बोर्ड पे उनका बस एक रन बना है, यानी कि इनिंग जस्ट अभी स्टार्ट हुई है। क्या कभी दो पारियां एक साथ शुरू हो सकती है, नहीं, एक के बाद दूसरा खेलता है। जी हाँ, इनिंग्स जो वर्ड है वो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, जैसे एस लगा हुआ है, प्लूरल जैसा लगता है। ऐसे ही आपके पास एक वर्ड होता है समन्स, समन्स अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन इसका जो वर्ड बनता है समन्सेज, वो इसका क्या बनता है, प्लूरल नाउन बनता है। और आप कहोगे सर हमने तो मात्र समन सुना हुआ है, तो समन जो होता है वो वर्ब होता है, जिसका मतलब समन, समंड, समंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज होता है। ठीक है, अब देखिए इनिंग्स जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, लेकिन जब एक बारी में एक ही पारी यूज होती है तो ये सिंगुलर के यूज हुआ है, प्लूरल के तौर पे नहीं। तो ये आपको सेंस बनानी पड़ी, सेंटेंस के अंदर केवल टेंस देखना नहीं होता, सेंस भी देखना होता है, और अच्छे बच्चे हमेशा सेंस भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पे हैज का इस्तेमाल होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, और ए पार्ट ए में ही दिया हुआ है। सो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अरे सारे लोग फेवरेट है, पहली बात तो ये नहीं पता चलता मेल या फीमेल का कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन किसका कौन फेवरेट है, ऐसा पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन आप सब लोग बस जवाब टाइम से देते रहें, जल्दी जल्दी जवाब देते रहें और जल्दी जल्दी सिलेक्शन पाके और जाओ जाओ, मतलब ऐसा कम लोग बोलते हैं कि जाओ, मैं कहता हूं कि सिलेक्शन लो और जाओ, क्योंकि ये सब चीजें आपको केवल अपने सिलेक्शन तक की तैयारी के लिए दौर में ध्यान रखनी है, उसके बाद जब अपने बड़े अधिकारी बन जाते हो तो ये सब चीजें गौण हो जाती है, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अपने आप झलकने लगती है, है ना। सो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इन द प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम सिंस द गवर्नमेंट आर बोथ हॉस्पिटल होल्डर एंड मेडिकल सर्विस मैनेजर प्रोफेशनल एथिक्स आर हेट्रोजीनियस बेसिकली। सो सबसे पहले बताइए इसके अंदर कितने टाइप के एरर है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कितने टाइप के एरर है। गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट्स कर लीजिए, ठीक है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको गवर्नमेंट्स कर लीजिएगा। अब बताइए इसके अंदर राइट आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए जी, एवरीबडी हैज टू आंसर।
चलिए, इन द प्लांट इकोनॉमिक सिस्टम सिंस द गवर्नमेंट्स आर बोथ हॉस्पिटल होल्डर एंड मेडिकल सर्विस मैनेजर, प्रोफेशनल एथिक्स आर हेट्रोजीनियस बेसिकली। अब सबसे पहली बात, यहां पर एथिक्स की बात हो रही है। क्या एथिक्स जो वर्ड होता है क्या प्लूरल होता है? तो नहीं, एथिक्स जो वर्ड होता है वो नैतिकता के लिए यूज होता है और वो मॉरालिटी के लिए यूज होता है, जिसे हिंदी में आप नैतिकता कहते हो। क्या कहते हो? नैतिकता कहते हो। अगर ये नैतिकता होता है तो नैतिकता अनकाउंटेबल होती है, यानी कि सिंगुलर होती है। दूसरी चीज अगर ले लो तो एथिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ऐसे खत्म होने वाले ऐसे वर्ड्स, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि सिंगुलर नेचर के होते हैं। सो इनके अंदर सिंगुलर वर्ब ही आएगी, आर नहीं, यहां पर इज आना चाहिए। सी पार्ट में एरर है तो आंसर भी सी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। बिलियर्ड्स वर अनदर फेवरेट पास टाइम एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कट क्लासेस टू प्ले टेबल टेनिस इंक्रीज्ड। बिलियर्ड्स अपने आप में एक और फेवरेट पास टाइम है उन बच्चों का, और ऐसी बच्चों की संख्या जो टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लास कट करते हैं, मतलब क्लास छोड़ देते हैं, बंक कर देते हैं, वैसी लोगों की संख्या बढ़ गई थी, इंक्रीज। तो आपको पता है बिलियर्ड्स एक ऐसा स्पोर्ट्स का नेम है जो ऐसे खत्म होता है, बट ये प्लूरल होता नहीं है। सो प्लूरल नहीं होता तो बिलियर्ड्स नहीं है। बिलियर्ड्स तो अपने आप में ठीक है, वर नहीं आएगा, यहां पर वोज आएगा। सो एरर लाइज इन पार्ट ए। अगर एरर ए पार्ट में है तो ए यहां पर सी पार्ट में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर मेरे से पूछ भी लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, रिकेट्स वर डिफाइंड एज द गाइडलाइंस ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स इन नर्सलिंग बाय द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन 1996। सो रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, एड्स, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो एस से खत्म होती है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होती, ये सिंगुलर होती है। अगर ये सिंगुलर होती है तो इनके अंदर वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो अगर सिंगुलर आएगा सो यहां पर वर का इस्तेमाल ना होकर वोज का इस्तेमाल होगा। अगर ये वोज आया यहां पर तो एरर कौन से पार्ट में हुआ? ए पार्ट में, और ए दे रखा आपके पास स्मॉल डी में, सो डी मस्ट बी द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, डी इज द राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। डाउन बिलो कुछ नीचे फायर्स आर बींग लिट, आग जलाई गई थी, एंड द कैटल इज बींग ड्रिवन जेंटली, और कैटल को, मवेशियों को बहुत धीरे धीरे अच्छे से ड्राइव किया गया था इनटू द एनक्लोजर्स ऑफ थॉर्न बुशेस, जो कांटे वाली झाड़ियों के एनक्लोजर के अंदर उनको ड्राइव किया गया था। अब मुझे बताइए यहां पर जो कैटल वर्ड आया है क्या किसी एक के लिए यूज हुआ है या एक से ज्यादा के लिए यूज हुआ है? अगर कैटल की आप सेंस सही से बना पा रहे हैं तो आप एरर पहचान लेंगे, अगर आप केवल ग्रामर के रट्टा मारकर चलते हैं तो शायद आपको एरर मिलने वाला नहीं। ध्यान रखिएगा, फायर अगर यूज होता है तो फायर्स भी यूज होता है, और फायर सिंगुलर होता है तो इज होता है, फायर्स प्लूरल होता है तो ये आर होता है। ये पार्ट अपने आप में ठीक ठाक है, यानी इस पार्ट के अंदर अगर गलती निकाल रहे हैं तो आप गलत हैं, क्वेश्चन अपने आप में ठीक है। हमेशा मैं आपको कहता हूं मोटी मिस्टेक की तरफ चलो, बड़ी मिस्टेक की तरफ चलो, ऐसे पार्ट की तरफ चलो जो ग्रामर के अंदर आपको डील करनी होती है, ठीक है। सो यहां पर आपके पास कैटल शब्द आया हुआ है, और कैटल शब्द की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैटल शब्द सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अगर एक कैटल होती तो यहां अ कैटल का इस्तेमाल होता, ए लिख के कैटल यूज होता, अगर द कैटल लिखा है तो मतलब पूरी की पूरी कम्युनिटी यानी प्लूरल की बात हो रही है, और इज नहीं, यहां पर आर की बात हो रही है तो आर आना चाहिए। ये आर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी में आएगा, और ऑप्शन नंबर बी बी में ही गिवन है, सो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 और 18 पर चलते हैं,
और उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए इसी क्लास के अंदर, अभी अभी करेंगे इस चीज को। सो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका क्या ख्याल है। द इंक्रीजिंगली प्लुरलिस्टिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी मीन्स दैट पॉलिटिक्स इज इन एनी केस अंडरगोइंग फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़ते हुए जो प्लुरलिस्टिक नेचर है हमारे समाज का, उसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी तरीके से एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और ये मुझे लगता है ये एग्जाम्पल अपने आप में ताजा उदाहरण को फिर से संगीन करने की, फिर से अपने आप में जीवित करने का कोशिश कर रहा है। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या आएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, सो पॉलिटिक्स के लिए इज यूज होता है या आर यूज होता है, तो आपको पता है जब भी कोई चीज सब्जेक्ट के तौर पर यूज होती है तो इसका मतलब है वो सिंगुलर के सेंस में ही यूज होती है। अगर यहां पर किसी भी तरीके का कोई एडजेक्टिव दिया होता, माई आवर योर देयर, तो इसका मतलब हो जाता आवर पॉलिटिकल डेटा, हमारे राजनीतिक आंकड़ों के लिए इसको यूज कर लेते। आंकड़े शब्द प्लूरल के तौर पर यूज होते हैं तो प्लूरल वर्ब आती, लेकिन ये तो सब्जेक्ट के तौर पर या सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है। यहां पर इज अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। सो कोई गलती नहीं है तो नो एरर आएगा, और नो एरर अपने आप में बेसिकली एक बड़ा पोर्शन होता है पेपर में, तो नो एरर ऑप्शन नंबर डी है, और डी आ जाएगा सी पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो कितने बच्चों को अपने एग्जामिनेशन के अंदर, अगर टीयर टू मेंस देने का आपका अगर सौभाग्य अभी तक हुआ है, और अगर उसके अंदर 20 क्वेश्चन एरर के आते हैं और 20 में से 4 क्वेश्चन नो एरर के आते हैं, तो कितने लोग हैं कि सर नो एरर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और नो एरर में दिक्कत उन्हीं को आती है जिनके कॉन्सेप्ट्स जरूरत से ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। मेरे व्यंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जरूरत से ज्यादा कब कैसी चीजें होती है, उन चीजों को एक बार खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। A whole column of enemy infantry were now pouring into the creek bed right on the heels of the reconnaissance groups. सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा reconnaissance का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास है, मैं वोकैब को साथ साथ पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप भी एक बार साथ साथ मुझे इसके दो दो सिनोनिम या इसका मीनिंग देते जाएंगे तो मुझे और बेहतर और बढ़िया और अच्छा लगने की कोशिश होगी। प्लीज नो रॉन्ग मेरा रॉन्ग हो गया। चलिए सबसे पहली बात तो देखते हैं, कई बच्चे इन्फेंट्री को देखते हैं और वर लगा के यूं कहते हैं भैया इसमें तो नो एरर आएगा। नहीं, मैंने माना कि इन्फेंट्री जो शब्द है, जेंट्री जो शब्द है, ये प्लूरल नेचर के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना के लिए यूज होता है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप ये देखो ना, यहां पर ये ऑफ लिखा है। अगर एक सब्जेक्ट प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है दूसरे सब्जेक्ट से, तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और हमेशा वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, सब्जेक्ट क्वालिफाई करता है, इसलिए चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी भी नहीं होता। तो मुझे बताइए इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा। सर इंक्रीजिंगली करेक्ट है, देखिए नेचर नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब, और किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बनता है, और इसके साथ ये आर्टिकल आ गया, और ये कॉम्बिनेशन बनता है ए क्यूब एन, जिसको क्लोज टेस्ट की मोस्ट फेवरेबल ट्रिक माना जाता है। अगर आपको क्लोज टेस्ट के अंदर ए क्यूब एन का फॉर्मूला समझ में आ गया तो जीवन में कोई गलती नहीं होगी। जितने भी बच्चे मुझसे क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन के बैच में पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं दो क्लास उनकी इसी विषय पर लेता हूं, ए क्यूब एन, यानी कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसी के बेस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितने लोगों को ये पहली बार पता लगी है, लेकिन फर्स्ट टाइम सर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे अभी आपको कितना कुछ
अलग से आपको देना जरूरी है, ताकि आप जो बच्चे मुझ तक पहुंच पा रहे हैं धीरे धीरे करके, उन लोगों तक कम से कम मेरे तरीके भी पहुंचे कि अंग्रेजी को एक आसान ढंग से किया जा सकता है, बिल्कुल खुले उन्मुक्त मन से किया जा सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे हम अप्रैल और मई मंथ के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके अंदर बहुत अच्छा करेंगे, और इस तरह के सेशंस आपके पास प्रोडक्टिविटी के सेंस में बड़ी अच्छी चीजें लेकर आएंगे, ठीक है। अ होल कॉलम, तो भैया ऑफ से पहले वाला देखेंगे तो अ लिखा हुआ है, अ सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज आएगा, वर नहीं आएगा, वाज आएगा। एरर कौन से पार्ट में हुआ, बी, और बी कहां लिखा हुआ, सी पार्ट में, सो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सो जितने भी बच्चों को पहली बार ये चीज पता लगी है उनको मैं डिटेल में ये चीज पढ़ा भी दूंगा, और मेरा मन है कि हमारे YouTube चैनल पर ही इसी चीज का एक सेशन को हम डाल भी देंगे, ताकि हमेशा के लिए ये चीज संपत्ति के तौर पर आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों, आपके अपने छोटे भाई बहन जो बाद में भी एग्जाम देंगे उनके लिए ये चीज बतौर संपत्ति पड़ी रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। द कम्यून वॉज डोम्ड बाय द स्प्रेड ऑफ द मार्केट रिलेशंस एंड द पीजेंट्री वॉज बिकमिंग डिवाइडेड बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड प्रॉपर्टीलेस रूरल लेबरर्स। और अगला क्वेश्चन आपके पास है, वेल इक्विप्ड विद गुड प्लेट आर्मर एंड लांसेस दीज इलीट कैवलरी आर आर्ग्यूएबली द अल्टीमेट नाइट्स। बहुत आसान है, इज बेसिकली हेट्रोनोमस और इज हेट्रोनोमस बेसिकली विच वन इज करेक्ट। एक्चुअली जो एडवर्ब का एक्सप्रेशन होता है वो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस भी ठीक रहता है एंड बिफोर द एडजेक्टिव भी ठीक रहता है, दोनों के सेंस अपने आप में बिल्कुल बराबर जाते हैं, उत्कर्ष। लेकिन अगर इस तरह से देखना हो सो बेसिकली जो शब्द होता है उसका सेंटेंस की शुरुआत में लगाओ, बीच में लगाओ, साइड में लगाओ, जो स्वयं बेसिकली शब्द है वो हमेशा पूर्ण रूप से सेंटेंसेस के क्वालिफायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो पूरी स्टेटमेंट को डेराइव करने की कोशिश करता है, ठीक है उत्कर्ष। कम्यून वॉज डूम्ड बाय द स्प्रेड ऑफ द मार्केट रिलेशन एंड द पीजेंट्री। पीजेंट्री एक प्लूरल नाउन होती है जिसका हिंदी में मतलब होता है पूरा का पूरा किसान वर्ग, और किसान वर्ग अपने आप में क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, वॉज या वर की जगह यहां पर वर आना चाहिए। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया बच्चे, बी पार्ट में इसमें एरर हो गया, और बी जो है वो डी पार्ट में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, बहुत आसान। अच्छा, जैसे हमने देखा था घोड़े वाली जो सेना होती है उसे क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, और इसी के अलावा एक जो चीज मैं पूछ रहा हूं, जो पैदल सेना होती है उसे अभी अभी हमने क्या लिखा था, पैदल सेना को इंग्लिश में क्या लिखते हैं जो कि प्लूरल होती है, कमेंट में लिखिए, और जो घोड़े वाली सेना होती है, घुड़सवार जो सेना होती है उसके लिए क्या यूज आएगा। सो उत्कर्ष सिंह ने बहुत ही बढ़िया और तुरंत जवाब बताने की कोशिश की, नो एरर इन क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही है भाई, बीसवें में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं बाकी बच्चों के भी कमेंट देख लेता हूं, क्योंकि मेरे सामने केवल YouTube कमेंट्स आ रखे हैं, और इसी के अलावा मेरे पास जितने भी बच्चे Facebook के माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं, मुझे बताया गया है कि ये क्लास आज लाइव चल रही है। चलिए बहुत अच्छे, विजय कुमारी जी यहां जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा। चलिए वेल इक्विप्ड, सो सबसे पहली बात तो इलीट का मतलब सभ्य लोग, और लेकिन कैवलरी जो वर्ड है वो घोड़े सेना के लिए यूज होती है, ये वर्ड अपने आप में प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आई हुई है, बेसिकली इसके अंदर कोई इस तरह का एरर नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में नो एरर है, ठीक है। सो अपने आप में नो एरर आ जाएगा, सो नो एरर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
और डी जो दिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में ही है, सो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि बेसिकली आप मार्केट की बहुत सारी किताबों को जो रिकमेंडेड भी है टॉपर्स की तरफ से, उनको आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं और आपकी स्टडी टेबल के ऊपर उनका ढेर लगातार रहता है। मार्केट के अंदर आने वाले बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आप करते होंगे, वहां से भी आपको एक दो क्वेश्चन नए जानने की कोशिश होती होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि चैप्टर वाइज जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए जो ग्रामर का बैच है वो एक अच्छा बैच है, और जिसके अंदर हम बड़ी कमिटेड तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरीके से पहले वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट को दोहराने की कोशिश करते हैं अच्छे अच्छे सवालों के साथ, प्रैक्टिस के साथ, और फिर कुछ धुएंदार क्वेश्चन इसके अंदर लेकर आते हैं। सो बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप मुझे बराबर बताते रहें कि आपको ये इस तरह के जो सेशन है वो कैसे लगते हैं। चलिए, यहां पर अब मैं दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपके पास है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलिए सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूं कौन से पार्ट को इंप्रूव करना है। पहले में ये वाला पार्ट है और दूसरे में आपके पास ये वाला पार्ट है। अंडरलाइन पार्ट की लंबाई देख के घबराना नहीं है कि सर हाँ ये सॉल्व कैसे हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उत्कर्ष कह रहे हैं सर किसी सवाल के अंदर अगर नो एरर लगाना हो तो बड़े गट्स चाहिए। बिल्कुल गट्स तो चाहिए, उसके अंदर सारी की सारी नॉलेज आपको एक्वायर करनी होती है और फिर आपको उसको पुट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए वन का आंसर क्या आएगा, द लैंडेड जेंट्री हैज बीन दोज हु ऑन लैंड फ्रॉम विच दे ऑब्टेन देयर इनकम। तो लैंडेड जेंट्री वो थी जो दोज हु ऑन, जब इसको दोज से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो दोज प्लूरल होता है, तो जेंट्री भी अपने आप में प्लूरल होती है। जेंट्री का मतलब होता है अपने आप में सभ्य लोग, सोफिस्टिकेटेड पीपल के लिए यूज होता है, और हैज का नहीं हैव का इस्तेमाल होना चाहिए, हैव बीन। अब ये देखिए इज दो जाएगा, वाज दो जाएगा या आर दो जाएगा, तो अगर यहां पर कोई हैज आना चाहिए या कोई प्लूरल आना चाहिए तो हैव आएगा या वर आएगा, यानी हैज तो नहीं आ सकता, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, यस आर आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और कितने बच्चों का सी आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर। वन आर ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेंज रोड वॉचिंग स्ट्रेंज सीनरीज। वन 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 हमेशा सिंगुलर होता है, और अलग अलग तरीके से अगर देखेंगे तो स्ट्रेंज का मतलब अजीब या अननोन के सेंस में यूज होता है। सीनरीज जो वर्ड होता है किसी नजारे या दृश्य के लिए हमेशा सिंगुलर के सेंस में यूज होता है। अगर पहली बात अगर यहां से ही काटने की कोशिश करें तो ये प्लूरल नेचर नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट या बी या ए नहीं आएगा। वैसे दूसरी तरीके से काट के देखें तो सीनरीज आंसर नहीं होता, हमेशा सीनरी होता है। जब दीवार पे लटकाने वाली जो चीजें होती है वो सीनरी का प्लूरल सीनरीज हो सकता है, लेकिन आपकी खुली आंखों से अगर आप कोई नजारा देख रहे हैं और वो नजारे को अगर आप सीनिक ब्यूटी को सीनरी कहते हैं तो उसका कभी भी प्लूरल डेवलप नहीं होगा, वो ऑलवेज अनकाउंटेबल नेचर की होती है। अगर वो हमेशा अनकाउंटेबल नेचर की होती है तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी। सो अगेन क्वेश्चन नंबर टू का भी आंसर हो जाएगा सी। मुझे आगे के क्वेश्चन पे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी सोफिस्टिकेटेड स्पीड से हम चल रहे हैं जिसके अंदर किसी को कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर आपके हवाले करता हूं और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। शी हैज पब्लिश्ड मोर देन 20 बुक्स इंक्लूडिंग नॉवल पोएट्रीज लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स। इसमें से क्या इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनेगा। और दूसरा है अ एविडेंस वॉज साइटेड फ्रॉम। सर साइट का मतलब क्या होता है, सी आई टी ई, तो साइट का मतलब होता है कोट,
किसी चीज का उदाहरण देना, जो चीज आप इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो दैट इज व्हाट वी कॉल कोटेशन। और जितने भी बच्चे अपने डिस्क्रिप्टिव बैच के अंदर है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, उनको मैंने सिखा दिया है कि चाहे सेंटेंस की शुरुआत करो चाहे खत्म करो, जब पैराग्राफ की शुरुआत करो या ऐसे को खत्म करो, एक ना एक कोटेशन को डाल के खत्म करो, भाई साहब इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, साइट की तरह कई बार एक और यूज होता है साइट। साइट का मतलब होता है एड्रेस के रूप में यूज होता है, और एक और यूज होता है SIGST साइट, नजर के लिए, विजन के लिए यूज होता है, जैसे आपकी आई साइट है ना, आई साइट नजर के लिए यूज होता है, इनसाइट नजरिए के लिए यूज होता है, ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से वोकैबुलरी के साथ भी इन चीजों को आप यूज करते जाएंगे। सो शी हैज पब्लिश्ड मोर देन 20 बुक्स इंक्लूडिंग नॉवल, पोएट्रीज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। बहुत सारी किताबें लिखी है, तो एक से ज्यादा नॉवल्स भी लिखे होंगे, सिर्फ नॉवल नहीं लिखा होगा। पोएट्रीज कभी भी प्लूरल नहीं होती, प्लूरल नहीं होती, प्लूरल नहीं होती, हमेशा अनकाउंटेबल होती है। क्रिटिसिज्म हो सकता है सिंगुलर हो सकता है। सो बस इसका जो बेसिक पॉइंट था, पोएट्रीज प्लूरल नहीं होती, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए। कितने लोगों का 3 का ए आंसर आ गया है देखने दीजिए। हाँ, मैक्सिमम 99% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है, शाबाश। अ एविडेंस, सबसे पहले तो आर्टिकल की जिसको थोड़ी सी नॉलेज है, परख है, वो कहेगा कि सर एविडेंस के साथ ए नहीं आ सकता, एन आ सकता है। तो ठीक है, कम से कम आपने 9 इंप्रूवमेंट तक तो आए कि ये तो नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि सर एविडेंस का एविडेंसेस होगा या अन एविडेंस होगा। सो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो एविडेंस जो शब्द होता है या जो इक्विपमेंट जो शब्द यूज होता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं। एक बार दोनों शब्द को मेंशन करके लिखेंगे, एविडेंस या इक्विपमेंट जो शब्द होता है ये अनकाउंटेबल होते हैं। ना तो इनसे पहले ए या एन लगता है, ना ही इनके साथ एस या ईएस लगता है प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए। एविडेंस या इक्विपमेंट विदाउट आर्टिकल रहते हैं, आने को द आ सकता है, स्पेसिफिक कर देंगे, ए या एन तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी एन नहीं आएगा, इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। सो आंसर आएगा एविडेंस वॉज साइटेड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किस किस का सी आया है, मुझे हैरानी है ये बात जान के कि शायद मेरे को एक भी बच्चे का जवाब यहां पर सी दिखाई नहीं दे रहा है। कितने लोगों के लिए ये बात अपने आप में नई थी, कितने लोगों के लिए ये बात हैरत अंगेज करने वाली थी, कितने लोगों के लिए बात चौंकाने वाली थी, एक बार जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप मेरे बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बहुत ही अच्छे शिष्य हैं, अगर आप एक बहुत ही अच्छे एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो अपनी कॉपी में ये बात को नोट कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरे से एक मिनट का समय ले लीजिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को नोट करके रखना है, क्योंकि यही तमाम ऐसे क्वेश्चन है जो यूं के यूं किसी तरीके से पेपर के अंदर यूज होता है। कितने लोगों का जवाब गलत गया, शर्म की बात है। क्या आपको ध्यान है नाउन के चैप्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अभी मैंने आपको जो बात की वो थोड़ी देर पहले जो बात की वो एविडेंस पे की थी, अब एविडेंस की जगह बात आ रही है इक्विपमेंट पर। द इक्विपमेंट्स हैव हाईर परफॉर्मेंस एंड प्रिसिशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड की टेक्निक्स आर मेनली इंट्रोड्यूस्ड। अब इसके अंदर बताइए इक्विपमेंट्स होगा, तो आपको आपकी नॉलेज बतानी, इक्विपमेंट्स होता है या इक्विपमेंट होता है, सबसे पहले बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ए बी सी डी, बिना देरी किए बताइए। नोट करके रखना है, चलिए। सो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, इक्विपमेंट्स नहीं होता, सी नहीं आएगा। यस, इक्विपमेंट होता है लेकिन अनकाउंटेबल होता है, एंड ऑल अनकाउंटेबल्स आर ऑफ विच नेचर, सिंगुलर इन नेचर। सो सिंगुलर के लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक की बात? अगला देखिए, द बर्गलर्स हैव बीन अरेस्टेड। बर्गलर्स का मतलब होता है लुटेरे, बर्गलर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। बट द ज्वेलरीज वर स्टिल मिसिंग, लेकिन जो ज्वेलरीज उन लोगों ने चुराई थी वो अभी भी मिस है या मिस थी। तो ज्वेलरी आर, ज्वेलरीज हैव या ज्वेलरीज स्टिल मिसिंग, एबीसीडी में से क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या बनने वाला है? फटाफट बताइए। राजा कुमार, गुजरल कुमार, ममता, लर्निंग अड्डा, सीमा पवार। बहुत ही बढ़िया, और जवाब फटाफट देते रहिए। इस तरह के प्रैक्टिस सेशंस की कितने लोगों को और भी ज्यादा जरूरत रहती है जल्दी से जल्दी एक बार बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि इस तरह के प्रैक्टिस सेशन क्यों आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। बहुत अच्छा। सो आपको पता है जो ज्वेलरी जो शब्द होता है वो अपने आप में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल्स ऑल किस नेचर के होते हैं? सिंगुलर। तो इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, तो आपके पास ए, बी या डी की संभावना नहीं है। इज आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान, ऑप्शन देख के तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, और मैं आपको पहले ही डिटेल में बता दूं, यही क्वेश्चंस ऐसे हैं पेपर में जो आपकी टीसीएस के पैटर्न के अंदर जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और भी बताने की कोशिश करूं, सो टीसीएस पैटर्न अपने आप में इसी तरह के क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं, और आपको आखिरी बार जो टीसीएस का पेपर देना है वो 2020 वालों को पेपर देना है, सीएचएसएल और सीजीएल वालों को, है ना? तो कम से कम आप लोग थोड़ी सी अच्छे से तैयारी रखिए इन चीजों की, और उसके बाद तो सीईटी पैटर्न आ जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो पहला सातवां क्वेश्चन देखिए, द क्वेस्ट फॉर ग्रेटर नॉलेजेस वर अंडरपिन्ड बाय अ हाईली जेंडर स्पेसिफिक डिस्कोर्स ऑन सेक्चुअलिटी। और क्वेश्चन नंबर एट है, व्हेन आई अराइव्ड इन शंघाई माय लगेजेस वर वेटिंग फॉर मी ऑन द बैगेज कैरोसेल। सारे बच्चे कैरोसेल का मीनिंग बताएंगे सबसे पहले, और बाकी बच्चे इन दोनों के एरर बताएंगे। जिन लोगों को वोकेबुलरी के अंदर भी अच्छे मार्क्स लाने हैं वो लोग वोकेबुलरी के मीनिंग भी बताएंगे, जो लोग केवल ग्रामर को करना चाहते हैं वो लोग खाली ग्रामर के हिसाब से चीजें बताते रहे। क्वेश्चन नंबर सेवन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले क्वेस्ट की बात हो रही है फॉर एक प्रपोजिशन में, क्वेस्ट के लिए वर नहीं आएगा, वो जाना चाहिए, हैव नहीं आएगा। तो क्वेस्ट के लिए सिंगुलर होती है, क्वेस्ट का मतलब होता है हुक, किसी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह की हुक के लिए यूज होता है शुद्ध हिंदी में। सर सीजीएल सेंट्रिक करवाइए, सीजीएल सेंट्रिक ही है भाई, अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट हो तो सीजीएल के ही सेंट्रिक है। आपको अपने 10 ईयर अगर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए हैं, अगर आपने मार्केट की बहुत सारी जो प्रसिद्ध किताबें हैं जो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं वो भी हो गई है, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। इनके अंदर अभी ऑप्शंस बड़े बेवकूफ बेवकूफ वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस बड़े गजब के हैं, सेंटेंसेस बड़े गजब के हैं। अब आपको पता है नॉलेजेस नहीं होता, नॉलेज होता है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। सीईटी, सूर्यवंशी कह रहे हैं सर सीईटी क्या है? सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो आपके 2021 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर 12वीं से लेकर किसी भी लेवल की परीक्षार्थी जो बैंक, एसएससी और रेलवे, उनका सबका हो जाएगा ये, और ये पूरे के पूरे देश के लगभग 4.5 करोड़ लोग सबसे पहला सीईटी देने वाले हैं, और साल में 2 सीईटी होंगे, और किसी भी सीईटी के अंदर जिसको आप क्लियर कर लेंगे वो मार्क्स आपके अगले 3 साल तक वैलिड रहेंगे। इस तरह की फिलहाल सूचनाएं सबके पास हैं। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, व्हेन आई अराइव्ड इन शंघाई माय लगेजेस वर वेटिंग फॉर मी। लगेजेस नहीं होता, लगेजेस और बैगेजेस, एक शब्द होता है बैगेज, बी ए डबल जी ए जी ई, और एक शब्द होता है लगेज, बैगेज और लगेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके आगे ए या एन का इस्तेमाल भी नहीं होता, और इनके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात लगेज होना चाहिए, लगेज लगेजेस नहीं होगा, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल सारे सिंगुलर नेचर के होते हैं, सो वर नहीं आएगा, वोज आएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, शाबाश।
आखिरी दो क्वेश्चन और करके देखते हैं इसके अंदर। सो आई हैड इटन फोर और फाइव स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विदाउट सेटिस्फाइंग माई हंगर, सो आई रीच्ड फॉर स्टिल अनदर स्लाइस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। इट इज नेसेसरी टू कॉन्ट्रास्ट द स्टेटस क्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ फर्नीचर्स टू सर्वे एंड एनालिसिस रिलेटिवली कॉम्प्रिहेंसिवली एट द बिगिनिंग। कैरोजल मीन्स कॉन्वॉय ऑफ लगेज। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छे। लगेज कैरिंग व्हीकल इन एयरपोर्ट, वेरी गुड, ये सही बताया। चलिए, आई हैड इटन फोर और फाइव स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विदाउट सेटिस्फाइंग माई हंगर, सो आई रीच्ड फॉर स्टिल अनदर स्लाइस। फोर और फाइव स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो आपको पता है ब्रेड हमेशा सिंगुलर होती है, इसके साथ ब्रेड्स नहीं यूज होता, तो ब्रेड्स तो नहीं आएगा, बी और सी नहीं आएंगे, और फाइव स्लाइस नहीं स्लाइसेस हैं, तो स्लाइसेस अपने आप में प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, तो नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। कितने लोगों को नो इम्प्रूवमेंट और नो एरर में गलती नजर आती है, जल्दी से जल्दी बताओ कितने लोगों का राइट आंसर यहां पर आ गया है। मुकेश तवानिया ने बिल्कुल सही बताया, नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर, शाबाश। नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, अच्छे अच्छे सवाल है। देखो, सेंटेंस की लंबाई से घबराने का नहीं, सेंटेंस जितना बड़ा होना यूं समझ लो आपको आता ही है, आपको आता ही है, ये पक्का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन को शेयर कर दो एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपने फेसबुक पेजेस पर। इट इज नेसेसरी टू कॉन्ट्रास्ट द स्टेटस क्यो ऑफ दीज काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स। अब आपको पता है जैसे ज्वेलरी शब्द मैंने बताया था वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल सारे सिंगुलर होते हैं, ऐसे ही आपके पास फर्नीचर शब्द भी अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ एसीआईएस नहीं लगता। अगर एसीआईएस नहीं लगता तो ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब मुझे बताओ दीज के साथ काइंड आता है या काइंड्स, तो काइंड्स आता है, तो ये गलत हो गया, तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी फर्नीचर्स की वजह से और सी काइंड की वजह से। अब ऊपर लिखा काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता भाई, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी द राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, कितने बच्चे का राइट आंसर आ गया, अरे वाह शाबाश। हाँ, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है भाई, बिल्कुल ठीक है। 10 का सी नहीं आएगा, देखो काइंड लिखा है, बताओ दीज के साथ काइंड होता है या काइंड होता है। काइंड का मतलब यहां पे दयालु नहीं है, टाइप के लिए, प्रकार के लिए, वैरायटी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो दीज के साथ हमेशा काइंड्स यूज होगा, दीज के साथ टाइप्स यूज होगा। अगर दिस होता तो दिस काइंड, दिस टाइप, वो फिर ठीक हो जाता। बात समझ में आ रही है? सो आज का सेशन उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लगा होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपके पास और भी लेकर आता रहूंगा। अभी थोड़ी देर में मैं यूट्यूब पर ही एक बढ़िया सेशन लेने जा रहा हूं, एसएससी सीएचएसएल को टारगेट करके, आईबी का जिन्होंने फॉर्म भर रखा उनको टारगेट करके, या जिनका अभी अगले वीक में, अभी दो तीन दिन में एसबीआई पीओ का पेपर है, और जो लोग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं उन डिस्क्रिप्टिव की एक मैराथन में लेकर आ रहा हूं जो 2 घंटे के लिए चलेगी, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करने वाला हूं। जितने भी लोग जुड़ेंगे मैं आप सभी का स्वागत करूंगा उस सेशन के अंदर, जस्ट ये 5 से 7 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।